हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning Guys. मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। वेल, आज का दिन यूं भी अच्छा गुजरेगा क्योंकि आज का शो जो है वो जरा हटकर है। आज हम बातें न्यूज की कम करेंगे और बहुत सी और बातें जो आज आपके साथ करेंगे। आज का शो मेरा ख्याल है ना सिर्फ हमारे लिए स्पेशल होने वाला है बल्कि आपके लिए भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के शो में हम कुछ सेलिब्रिटीज से भी मिलेंगे। वो कौन है इसको मैं जरूर सरप्राइज रखूंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फर्स्ट आवर में जो है वो हम हमेशा बात करते हैं न्यूज के बारे में, कुछ जो ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर एक्टिविटीज चल रही होती है उसके बारे में। ये एक्टिविटीज के बारे में तो हम डेली बात करते ही हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव बात से आगाज करें आज के शो का। तो डेफिनेटली जहां पर एक सूबा है हमारा खैबर पख्तूनख्वा जिसे बड़ी ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बारह कहा जाता है कि जी यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, यहाँ का हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं है। तो ओवरऑल इस इदारे में, इस सूबे में क्या हो रहा है, किस तरह से इनोवेशंस आ रही हैं, किस तरह से तब्दीली आ रही है। कभी हम देखते हैं कि इनकी जानिब से कुछ ट्री प्लांटेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, बहुत से दरख्त लगाए जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लोगों की डिवेलपमेंट के लिए, इदारों की डेवलपमेंट के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है, वो है हमारा हेल्थ सेक्टर। जिस मौकफ के साथ पीटीआई जो है वो आई भी थी और उनका ये कहना था कि लोगों की पहले बेहतर और बेहतरीन ज़रूरियात को जो है वो पूरा किया जाए, बेसिक ज़रूरियात को पूरा किया जाए, ना कि आप रोड्स बनाएं, सड़कें बनाएं। तो उस काम को, उस वादे को पूरा करने के लिए केपी की हुकूमत ने जो स्पेशली अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अब कुछ नए इनोवेशन और नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर एक हेल्थ कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इस हेल्थ कार्ड के ये जो है वो आपको बहुत ज्यादा फ्री सहूलियात सेहत की मुहैया हो सकेंगी बहुत से बड़े अस्पतालों में भी। और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका इलाज लोग समझते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो इस कार्ड के थ्रू जो है वो आप अपना इलाज बड़े से बड़े अस्पतालों में करवा सकते हैं, मयारी इलाज आपको मिल सकेगा। तो एक तो आज इस सवाल पर, सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर केपी के शाहराम खान भी होंगे और उसके बाद जो सेकेंड आवर है हमारा उसके अंदर हमारे पास एक बड़े जबरदस्त से गेस्ट है, ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर है ये, और इनकी तारीफ के बारे में आपको क्या बताएं? मेरा ख्याल है बताएं कि अभी सरप्राइज रखे सब क्या कहती हैं? आई गेस इफ यू वांट तो थोड़ा सा सरप्राइज रख लेते हैं, लेकिन है सिंगर और जो लोग सिंगिंग को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी सिंगिंग को फॉलो करते हैं, वो मेरे ख्याल में पहचान जाएंगे। हाँ बिल्कुल पहचान जाएंगे, मेरा ख्याल है कि फिर हम अभी नहीं बताते, अभी हम बात करेंगे कुछ केपीके के हवाले। अच्छा, ओवरऑल जैसे हम शो शुरू करते हैं तो आज हमारे जितने भी व्यूवर्स होंगे वो हैरान हो रहे होंगे कि आज हमने न्यूज के बारे में बात नहीं की, तो आज हमने सोचा कि थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं और आज अपने शो में आपको मिलवाते हैं आपके उन लोगों से, आपके उन सेलिब्रिटीज से जिनको आप याद भी करते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि वो वापस, जब वतन वापस आए तो वो आपसे मिले। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त सिंगर से जो कि अब लेजेंड भी है और उनके बहुत सारे फैंस भी हैं और उनके बहुत बड़े बड़े मशहूर सारे गाने भी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए आज के शो के फॉर्मेट के हवाले से तो हम बात करेंगे आज डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि जैसा कि अनम ने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी सेहत का हाल रहा है, जिस तरीके से भी वहाँ पर मरीजों की हालत इजहार है, वहाँ पर गो के बहुत सारे फ्री कैंप भी लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कैंपेनिंग भी की जाती है, लेकिन फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के हवाले से मसाइल सामने आते ही रहते हैं और यही अलमिया हमारे पूरे पाकिस्तान में भी है, चाहे पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेहत के हवाले से और जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है, वहां पर जो हुकूमत है, उस हवाले से पीटीआई ने क्या इकदाम किए हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में अब हम यहाँ पर जाएंगे एक ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर होंगे जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम सेहत कार्ड के बारे में पूछेंगे कि ये सारा सिनेरियो, ये सारी कैंपेन है किस लिए। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब हम बात कर रहे थे जब ब्रेक पे गए थे सेहत के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के जो हालात हैं, सेहत के जो मामलात हैं, उनमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, उस पर किस तरीके से काम किया जाता है। तो पीटीआई ने इस दफ़ा ये स्टांस लिया है कि वो इन तमाम मामलात को बेहतर करेगी। और इसी सारी सूरत हाल के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हेल्थ मिनिस्टर है शहराम तरकई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? थैंक यू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल द लिसनर्स जी। यस, अच्छा सर, ओवरऑल अगर सेहत के हवाले से हम बात करें तो सेहत कार्ड जो है ये क्या है एक्चुअली, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए जी, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपने पूछा, सेहत कार्ड जो है हमारा ये हेल्थ इंश्योरेंस है उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, दो वक्त खाना वो पूरी तरीके से अपने बच्चों को नहीं खिला सकते थे, और उन पे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए, आइस का आ जाए, उनकी किडनीज का आ जाए, कैंसर का आ जाए, कोई और प्रॉब्लम उनके या कमाने वाला हो या उनके पेरेंट्स हो, बच्चे हो, तो उनको देने के लिए उनको हमने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसके सबसे बेसिक मकसद जो है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपनी गैरत की वजह से, अपने इज्जत की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो मैं ज़ाती तौर पे, मैं अगर मुझसे पूछे, सबसे मुश्किल काम ये है कि किसी से पैसे मांगना, ख्वाह वो आपके पेरेंट्स क्यों ना, किसी हद तक मांग सकते हैं, आप बड़े हो जाते फिर नहीं मांग सकते। तो उन लोगों को हमने मांगने से दूर रखा है, और इंशाल्लाह जो सेहत इंसाफ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो सारे तकलीफ दे लोग या ज़रूरतमंद लोगों को हमने एक 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 सबसे मुसीबत के टाइम में उनको एक सपोर्ट दी है, जो कि जिसका नाम सेहत इंसाफ कार्ड है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि इससे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मुफ्त इलाज की सहूलत तो वैसे भी मुहैया होती है, तो फिर इस कार्ड की ज़रूरत क्यों पेश आई? वैसे भी आप लोगों के और बहुत से प्रोजेक्ट्स यूज हुए हैं, तो बहुत से प्रोजेक्ट आप लोगों ने लॉन्च किए हैं, लेकिन ये जो कार्ड है इसकी बड़ी अहमियत बताई जा रही है, इसकी क्या वजह? देखिए जी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बिल्कुल काफ़ी हद तक चीज़ें मुफ्त हैं, लेकिन सारी चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दुनिया के किसी हॉस्पिटल में मुफ्त नहीं होती। और उसमें हमने इसको देखा है कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को होती हैं। हमारे यहाँ हार्ट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रेगनेंसीज का होता है, बच्चे पैदा होते हैं, माँ और बच्चे को हिफाजत के लिए उसको इसमें कवरेज दी गई है, मुख्तलिफ और हैं। तो और एक और चीज़ हमने इसमें की है कि हमने इसको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं रखा, हमने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया है, ताकि जैसे ही किसी के घर के करीब कोई भी हॉस्पिटल हो, ख्वा वो सरकारी हो ख्वा वो प्राइवेट हो, एक क्वालिटी सर्विस दे रहा हो, उस पेशेंट की मर्जी है कि वो कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द पेशेंट केयर अबाउट इज मरीज, जो उसके लिए उसके मरीज का इलाज हो जाए, वो प्राइवेट में हो जाए या पब्लिक में हो जाए। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लूप में लाया है, उनको भी इनरोल किया है, और हमारे प्राइवेट पब्लिक जो कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने इसमें इनरोल किया है। उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो हॉस्पिटल उसको मीट करता है। इसमें सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको किया है, और टर्शरी केयर जो हमारा टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है, तो हमने बड़े हस्पतालों को उसके में रखा है। सेकेंडरी केयर तक 2,40,000 तक के फिगर है, और टर्शरी केयर तक के लिए 3 लाख तक फिगर है, जो कि एक फैमिली या एक पेशेंट या जो उसके पूरा नंबर है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा सर, ये इस कार्ड से फायदा उठाने वाले कौन लोग हैं, कैसे ये प्रोसेस होगा जजमेंट का कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है, क्या रूल्स हैं इसके? देखिए बिल्कुल, जो आज से कोई तकरीबन 7 साल पहले या 6 साल पहले जो सर्वे हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने वो सर्वे की थी, ठीक, उस सर्वे को हमने उठाया है, वही एक वाहिद सर्वे है पूरे पाकिस्तान में जो ऑथेंटिक है और रिलायबल है, और उसको वफाक भी यूज़ करता है, उसको सूबे भी यूज़ करते हैं, और इंटरनेशनली भी अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है या कोई इंफॉर्मेशन देता है तो वही इंफॉर्मेशन होती है, पॉवर्टी लाइन है उसके मुताबिक उन्होंने उसमें इंडेक्स दिया हुआ है, और वही सर्वे है जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमारा ये फेज़ 2 है,
फेज थ्री अभी जो हम इसको इसके बाद जिससे जो लोग जो मुस्तहिक लोग हैं और उनको अगर सेहत कार्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा 30th को दूसरा फेज शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले 51% था, अभी 70% पे लेके गए, तो अगर उससे भी कोई रहता है तो एक तीसरी हम पूरी सर्वे करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे फिर भी हम मैनेज कर लेते, लेकिन टाइम की वजह से उसको हम इस वक्त उसी पे फोकस किया, इंशाल्लाह आगे जाके दूसरी सर्वे करेंगे। शाहराम साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये कार्ड लॉन्च किया है, और बहुत से ऐसे इंश्योरेंस कार्ड होते हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी जो है उसको आप कवर नहीं करते, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस कार्ड में वो भी कवर हो रहा है। मैं जानना चाहूंगी कि इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ये कार्ड कवर करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब कभी किसी को कैंसर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो अपने इलाज के लिए इतना पैसा कहीं से ला नहीं सकते, तो क्या ये वाली सारी बीमारियां भी इस कार्ड के अंदर कवर होती है? जी बिल्कुल, इसमें प्रेग्नेंट ख्वातीन जो हैं उनके लिए कवर है, कैंसर के लिए कवर है, हेपेटाइटिस के लिए कवर है, जनरल मेडिसिन के लिए कवर है, जनरल सर्जरीज के लिए कवर है, आई के लिए कवर है, हार्ट के लिए कवर है, तो ये सारी चीज़ें हैं, दो तीन और हैं जो इसको, ये सारी बीमारियों को ये कवर करते हैं। और इसको हमने देखा है कि जब इसको हम बना रहे थे और इसको हम स्टडी कर रहे थे और फिर इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो हमने कहा वो कौन सी सबसे कॉमन बीमारियां हैं जिससे हमारे लोगों को ज़्यादा शिकायत होती है और हमारी फैमिलीज़ को उसकी इकॉनमी पे, उसकी और उनकी सेहत पे और उनकी फैमिलीज़ के ओवरऑल मोरल पे असर पड़ता है, तो कैसे सपोर्ट किया जाए। तो ऑब्वियसली बहुत कंसल्टेशन के बाद, टेक्निकल डिस्कशन के बाद, फिर हमने ये सारी बीमारियां इसमें कवर की, और ये सारी इंडोर पेशेंट के लिए हैं जिसको हम कहते हैं कि पूरा कवर इसको देते हैं। ठीक है, कॉमन डिजीज़ के लिए हैं और प्रॉपर आपने सर्वे किया है। सर बहुत अच्छी बात है, मुफ्त स्कीम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में ही और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा मुफ्त स्कीम्स हैं, तो ये स्कीम बाकी स्कीम से क्यों मुख्तलिफ है, और जब ऑलरेडी स्कीम्स मौजूद हैं तो फिर ये स्कीम क्यों लॉन्च की? देखिए जी, वो एक तो साइलोज में थी, हेपेटाइटिस का एक साइलो में एक प्रोग्राम था, दूसरा कैंसर का हमारा था, वो भी था, मदर एंड चाइल्ड का था, वो अभी भी है, इंसुलिन फॉर लाइफ भी हमारा प्रोग्राम है, लेकिन हार्ट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था, प्रेग्नेंट वुमन के लिए पूरा उनका कवर करना वो कुछ हद तक तो मतलब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, लेकिन इसको बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों में कवर किया गया है। और इसके करने का मकसद ये है कि आपको आपके डोर स्टेप पे एक द नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल जो भी है, वो प्राइवेट है या पब्लिक है, उस पे जाके आप वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, एट टाइम्स इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को मालूमात नहीं होती या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हमने पूरे प्रोग्राम को सामने लाया है, और जो हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं फ्री, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, ये ओवर एंड अबव हैं जो 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 ट्रीटमेंट इसमें हमने प्रोवाइड की है, और इससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएगा सर कि अभी हमने रिसेंटली देखा, अगर पूरे ओवरऑल साल का हम जायजा लें तो सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम केपीके में रही है वो डेंगू की रही है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये बड़ी बड़ी बीमारियां तो इसमें कवर हो रही है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके इंश्योरेंस कार्ड होते हैं वो तभी आप यूटिलाइज कर सकते हो जब आप हॉस्पिटलाइज हो, तो ऐसे में जब आप वॉक थ्रू करते हैं और अपना डेंगू का टेस्ट वगैरह करवाना होता है, इस तरह की चीजें हो, तो ये क्या डेंगू पेशेंट्स को भी किसी तरह से क्या कार्ड फैसिलिटेट कर रहा है? नहीं जी, डेंगू पेशेंट को कार्ड नहीं फैसिलिटेट कर रहा, क्योंकि डेंगू पूरे सूबे में पिशावर के और चंद और अजला में फोकस्ड चंद जगहों पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगहों पे इतना प्रॉब्लम हमें शुक्र है नहीं आया, और डेंगू के टेस्ट हमने वैसे भी फ्री करवा दिए हैं, वो जहां पे भी हैं डेंगू के टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ केपी फ्री करवाती है, उसके ट्रीटमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ केपी फ्री करवाती है, तो वो वैसे भी फ्री है, सो कार्ड डज नॉट कवर फॉर ऑल इसको, लेकिन वो सेपरेट उसको हम फ्री कवर करवाते हैं। ठीक है, सेपरेटली आप डेंगू को फ्री कवर करवा लेते हैं। सर ये जो स्कीम आपने अभी लॉन्च की है, सेहत कार्ड का इजरा किया है आपने, तो हम यही देखते हैं कि हमारे मुल्क में स्कीम्स तो बहुत ज़्यादा लॉन्च होती हैं, लेकिन जब कोई और हुकूमत आती है तो फिर वो स्कीम्स जो है वो फिनिश हो जाती हैं और फिर आवाम जो है वही मुश्किल का शिकार होते हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा स्टैटिक रहेगी या आगे चलती रहेगी, कोई और गवर्नमेंट भी आती है तब भी?
ये बिल्कुल ये हमारी भी कंसर्न्स थी, ये मेरी ज़ाती तौर पे एज अ मिनिस्टर मेरी कंसर्न थी कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया जी। और वैसे इंशाल्लाह अगली बार हमारी हुकूमत आएगी तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इवन देन ये हमारे डेवलपमेंट साइट पे ये प्रोग्राम है और इसको अभी हम करंट साइट पे लेके आ रहे हैं जो कि हमारा रेगुलर प्रोग्राम हो जाएगा बजट में, तो इंशाल्लाह इसको। और दूसरी बात ये है, इसको हम ये प्लान कर रहे हैं कि इसको हम लीगल कवर देना चाहते हैं। अच्छा। कि इसकी बाकायदा हम कानून साजी करें और इसको हम असेंबली से एक्ट पास करें। अच्छा। ताकि ये एक मुस्तकिल फीचर रहे हेल्थ डिपार्टमेंट का। सही, सही। बिल्कुल, मतलब इसको हम वाइंड अप इसी वजह से, और कोई गवर्नमेंट भी नहीं करेगी क्योंकि इस जैसा बेस्ट प्रोजेक्ट अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान में कहीं पे आया नहीं है। और इससे हेल्थ डिपार्टमेंट को ओवरऑल भी बड़ी सपोर्ट मिलती है जब आप ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसको आप करते हैं तो आपके साइलोज जो प्रोग्राम में, जो साइलोज में चल रहे होते हैं, कोई भी ये फ्री इलाज, ये सब कुछ आप इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस में ले आते हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स बंद करके आप बंदे को एक कार्ड देते हैं, उसमें सब कुछ कवर होता है, पेशेंट को भी सहूलत होती है, गवर्नमेंट को भी मैनेज करने में सहूलत होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी क्योंकि सारा डिजिटाइज्ड है, एफिशिएंसी भी आ जाएगी और मेरिट भी आ जाएगा। तो मतलब इट कवर्स बोथ, बेसिकली गवर्नमेंट की वो ट्रांसपेरेंसी का और उसका भी कवर हो जाता है और पेशेंट को सहूलत भी, एक कार्ड से आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही हैं, तो बेसिकली पेशेंट केयर के बारे में ही सब कुछ है जिसको हम फोकस्ड करके उसको कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके इस इनिशिएटिव को जो आप कार्ड लेकर आ रहे हैं, और डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई इस तरह की स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो ये बहुत काबिले जिक्र भी चीज है। मैं ये जानना चाह रही थी कि हेल्थ कार्ड तो आप लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कानूनी एतबार से जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आपको लगता है कि इस कार्ड के आने के बाद मुस्तकबिल करीब में कहीं पर भी कोई ऐसा चांस बनता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई चैलेंज आ सकता है इस कार्ड को लेकर? नहीं जी, देखिए कार्ड को हमें सिर्फ ये प्रॉब्लम रही है कि क्योंकि इस कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन इस कार्ड की वो हमें प्रॉब्लम थी। अच्छा। लोगों के, एक तो नादरा ने हमारे साथ एक वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा लेकिन है एक फैक्ट है कि नादरा ने हमें आईडी कार्ड के नंबर दिए, पेशेंट का या कार्ड होल्डर का नंबर दिया या नाम दिया उसके, या वालिद का नाम नहीं दिया या बीवी के खावंद का नाम कार्ड दिया। आई डोंट नो व्हाट वेंट इनटू देयर हेड के नादरा को ये सूझी कि हम आईडी कार्ड नंबर और डिटेल दें लेकिन इनको हम डायरेक्ट कार्ड पे और उस पर हम नाम ना दें, लेकिन उसको हमने फिर मैनेज किया। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी रही क्योंकि घर घर जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है और मैक्सिमम लोगों को ये कार्ड पहुंचाना पड़ता है। उसमें अगर कोई खुदा ना खौसा किसी की डेथ हो गई हो या कोई बीमार हो या मुल्क से बाहर हो या उसको पता ना हो तो उसको वो कार्ड किस तरीके से किया जाए, या अगर किसी की डेथ है तो वो कार्ड किस तरीके से उसके बाकी लवाकिन जो हैं, उसके पेरेंट फैमिली जो है उसको कैसे शिफ्ट किया जाए, तो उसमें हमें एक चैलेंज रहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बहुत बेहतर तरीके से हमने उसको मैनेज किया और उसको हम इफेक्टिव तरीके से हमने किया और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इसका आया है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी, और अभी तक जो ओवरऑल इसकी यूजेज है तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। ठीक है सर, रिस्पांस तो बहुत पॉजिटिव है, सुनते ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आवाम के लिए आप लोग इतनी सहूलत जो है वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन सर ये बताएं कि जो इससे बेनिफिट मिलेगा क्या उसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है? बिल्कुल जी, अभी हमने नया पैकेज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जी कि जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो हमारे हैं उस पर कोई तकरीबन 5-6 अरब रुपए सालाना लगते हैं जिसकी हमने कॉस्टिंग की है, तो सरकारी मुलाजमीन को हम बिल्कुल ये कि खैबर पख्तूनख्वा में देना चाहते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग कर चुके हैं और उसमें सरकारी मुलाजमीन के क्योंकि उनके सारे बेनिफिट उसमें कवर होते हैं और उनके लिए हर किस्म की ट्रीटमेंट इनडोर आउट सारी वो कवर होती है, तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन भी, अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मीडिया से आपका है कि मतलब आपको बताते हैं और टीवी सारे लोग देते हैं, फैमिलीज में भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं कि जो जेन्युइन केसेस होते हैं हेल्थ ये मेडिकल बिल्स के, तो वो इस तरीके से प्रोसेस नहीं होते, उसमें आइदर आपको किसी को मिन्नत करनी पड़ती है, सिफारिश करनी पड़ती है, या आपको जब बिल अप्रूव होता है या अप्रूवल के लिए जाते हैं हर जगह पे पैसे देने पड़ते हैं, तो जो उल्टे सीधे लोग होते हैं वो कर जाते हैं,
जो शरीफ लोग होते हैं और इतनी झंझटने से नहीं गुजरना चाहते, वो इस प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं केपी में, उनको एक बाइज्जत तरीके से, उनको अगर उनका कोई जेन्युइन मसला है बीमारी के हवाले से, उनकी फैमिली को बीमार है कोई और उनको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह, उससे उनको पूरी सहूलियात सेहत कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होगी और बाइज्जत तरीके से किसी ऑफिस, कोई फाइल, कोई चीज़ नहीं होगी। जस्ट अ सिंपल कार्ड टू एनी ऑफ द क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स एंड देयर ट्रीटमेंट विल बी डन बाइज्जत तरीके से, जो तहरीक इंसाफ का एजेंडा है कि मतलब हर बंदे को वो मकाम दिया जाए, वो इज्जत दी जाए, जो जो इमरान खान की कमिटमेंट है उस पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अच्छा मैं ये जानना चाह रही थी कि ये कार्ड जो है वो आपके कितने फैमिली मेंबर्स को कवर कर रहा है, और दूसरा ये कि जो लोग अभी हमें देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि मिनिमम कितनी उनकी इनकम होनी चाहिए जिसके बाद वो ये कार्ड ले सकते हैं और किस तरह से वो ये कार्ड ले सकते हैं। जी पहले फेज में बड़ा बेहतर क्वेश्चन है कि पहले फेज में हमने 51% पॉपुलेशन को खैबर पख्तूनख्वा के टारगेट किया था, जिसकी तादाद बन रही थी 1,44,00,000 लोग, 1,44,00,000 लोग। अभी जो हमने इसको 69-70% पे लेके गए हैं 70% आबादी को, उस पे 1,99,00,000 लोगों को इंशाल्लाह सेहत इंसाफ कार्ड मिलेगा। अच्छा। और इसमें पर फैमिली जो है 8 मेंबर्स हैं, 24-25 लाख फैमिलीज हैं, और इसको जब आप 8 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,99,00,000 ही बन जाते हैं जी। और इसमें हर फैमिली में 8 लोग हैं जिनको ये सेहत इंसाफ कार्ड से वो मुस्तफीद होंगे, और पर 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 जो है ईयर 5,40,000 तक की इसकी कवरेज है पर फैमिली की। इसमें 3 लाख टर्शरी केयर का है और 2,40,000 जो है सेकेंडरी केयर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और उस सेकेंडरी केयर पे 30,000 पर पर्सन है। 3 लाख जो ऊपर है टर्शरी केयर का, वो 3 लाख पूरे फैमिली पे किसी पे भी आप 1 पे खर्च कर सकते हैं, 2 पे खर्च कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के इस पूरे कार्ड में पैसे होंगे तो उसको कवर कर सकता है। और ये 1 साल के लिए January 1st से लेके 31 दिसंबर तक। तो अगर किसी ने 2017 के 1 जनवरी को जो कार्ड मिला था उसका 1 साल का जो एंड कब जो उसके पैसों की कवर होगी वो 31 दिसंबर 2017 तक होगी। 1 जनवरी से ऑटोमेटिकली उसमें पैसे और आ जाएंगे 31 दिसंबर 2018 तक, और चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ओवरऑल अगर फंड्स के हवाले से बात की जाए तो जो भी केपी की हेल्थ सेक्टर में जो भी फंड्स रखे गए हैं उसमें आपका ये भी इरादा था कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी ये तमाम बातें रखेंगे, अभी क्या लगता है आपको कि फंड्स के हवाले से और कितनी मजीद पेशरफ्त हो सकती है और कितनी सुनवाई हो सकती है? देखिए हमें किसी भी हुकूमत को अगर उसकी आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो प्रायोरिटीज़ इन्होंने दी है वो पैसों से पता चलता है कि इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में उस प्रोजेक्ट को या इस डिपार्टमेंट को जो उनकी प्रायोरिटी है उसको फंडिंग कितनी की है। हेल्थ और एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स हैं और हमारी प्रायोरिटी है जी। तो जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट 18 अरब रुपए था 2013 में जब हमें हुकूमत मिली। आज खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट तकरीबन 65 अरब रुपए है। 18 अरब रुपए से 65 अरब रुपए पे लेके गए हैं, मतलब इट्स तो दिस बेसिकली बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमारी फोकस जो है तालीम है और सेहत है, और उसकी स्पेंडिंग आप जिस तरह मैंने आपको फिगर्स बताई हैं ये स्पेंडिंग से आपको पता चलता है कि हम सीरियस हैं। हफा वफाकी हुकूमत से हेल्थ बजट को मैं अगर सेहत इंसाफ कार्ड का आपको बता दूं, सालाना कोई 3 अरब 80 करोड़ 4 अरब तक सालाना इसका खर्चा है हेल्थ सेहत इंसाफ कार्ड का। तो ऑब्वियसली जब साल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली इसमें बढ़ेगा। साल के एंड पे इसमें सेविंग भी हो सकती है क्योंकि सारे लोग तो बीमार नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, कुछ सेविंग हो जाती है, वो कंटिन्यू अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। वफाकी हुकूमत के साथ हमारे इश्यूज हैं जो उनके फंडिंग के हवाले से, जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर डिस्कशन होंगी, अभी भी कमिटमेंट की है कि 10 दिसंबर तक हमारा एक्सपेक्टेड है कि वो हमें
अपने पैसे दे दें जो हमारा फेयर शेयर है, अगर नहीं देंगे तो फिर हम धरना तहरीक इंसाफ को करना आते हैं और वफाकी हुकूमत के सामने बैठ के फिर अपने हक के लिए धरना करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, ये बताइएगा कि आप लोगों ने कार्ड तो इंट्रोड्यूस करा दीजिए, डेफिनेटली आवाम के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी है ये कि उनको कुछ बेसिक सहूलियात जो है वो आसान और मयारी जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी जो कि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं केपीके, कि आपको क्या लगता है केपीके को इस वक्त अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो मेजर चैलेंजेस कौन कौन से जिनका सामना है? लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें है वो माइंडसेट का है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े कमिटेड हैं, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगर कह दें कि इंसानों में फरिश्ते हैं तो ये कहना कोई कम नहीं होगा, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट फॉर द सिस्टम। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज अमेजिंग जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं अपनी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए या ज़ाती उसके लिए, तो उनसे हमें डील करने में ऑब्वियसली क्योंकि हमें थोड़ा सा स्लो किया गया स्ट्राइक से या और कोर्ट केसेस, ये वो बहरहाल रूटीन के काम है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम लोग जो है मेजॉरिटी 90-95% दे गुड पीपल। माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब आप कहीं पे भी तब्दीली लाना चाहते हैं तो तब्दीली स्ट्रेट अवे नहीं आती। लोग कहते हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं, वो कहते हैं किसी ने कहा कि कौन तब्दीली चाहता है, तो क्लास में सारे लोगों ने हाथ उठा लिया, तो फिर ने कहा कि कौन तब्दील होना चाहता है, तो पूरे क्लास में मेरे ख्याल से हार्डली कोई एक या दो बंदों ने हाथ उठाया। तो तब्दीली का जो 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 कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ों को हम एक तो हम ऑटोमेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल्स ऑटोमेट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो खाते वो फाइल्स उससे हम दूर जाना चाहते हैं। तो ओवरऑल लोग पैनिक करते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि जब तक उन्होंने देखा नहीं होता, उन्होंने समझा नहीं होता, तो वो स्ट्रेट है उस पर जाना थोड़ा सा हमें इशू रहता है। दूसरी बात यह है कि हमें ये प्रॉब्लम थी कि दूर दराज के इलाकों में हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं जाते थे। आप नौकरी भी दे देते किसी को, आप हायरिंग करते थे डॉक्टर को, नौकरी के छिट पकड़ाते कि जी पकड़े और आप चित्राल चले जाएं या आप डीए खान चले जाएं या आप मानसेरा चले जाएं, रिलक्टेंट होते थे, दे प्रेफर टू स्टे इन पिशावर, एबटाबाद, नौशहरा, मर्दान, ये दो तीन बड़े जो है बाकी जगह पे नहीं। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने सोचा, सिस्टम को समझा, फिर हमने कहा कि इनकी कोई हर डॉक्टर की कोई तनख्वाह थी तकरीबन कोई 40-44 हज़ार रुपए, हमने उसको बढ़ा के मिनिमम 1,10,000 कर दी, जबकि 1,40,000, 1,60,000, 2,00,000 तक हम उसको लेके गए हैं, और हमने उनको पे इंसेंटिव्स उनकी बढ़ा दी। बिल्कुल आपकी बात, तो यही कंटिन्यू भी करेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं शहराम तरकई साहब, इस हवाले से इमरान खान साहब भी कई दफा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि बाहर के जितने भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, FCPS हैं, USMLEs से पढ़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर आए और सर्व करें। इसी हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। शहराम तरकई साहब हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग आज में, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा, मगर डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब एक बार फिर से आपको शोबे खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है केपीके के हवाले से, कुछ हेल्थ इश्यूज के हवाले से, और कुछ नए जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से केपीके में, उनके बारे में इस वक्त हमारे साथ शहराम साहब एक बार फिर से लाइन पर मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। और आपको बताएं कि सिर्फ हेल्थ कार्ड ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं और हेल्थ सेक्टर को मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक बड़ा रोल जो है वो ब्लड बैंक का भी है। वैसे तो हम जानते हैं कि ब्लड बैंक हमारे हॉस्पिटल्स में ईजिली अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन लोगों ने आपको बताएं तो रीजनल ब्लड सेंटर्स भी कायम करना शुरू कर दिए। इसकी क्या जरूरत पेश आई और क्या वजूहत है, सब जानेंगे हम शहराम साहब से ही। शहराम साहब एक बार फिर से आप ही की जानिब आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये ब्लड बैंक्स जो आपने रीजनल अब बनाने शुरू किए, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए जी, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो जितनी भी बीमारियां हैं, इंफेक्शंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मोस्टली जो मेडिकल टर्म्स में आप देखते हैं जो डॉक्टर्स हो, वो ब्लड स्क्रीनिंग नहीं होती, गलत ब्लड लगा देते हैं, उसके इश्यूज और बीमार बनता, वैसे भी बीमार होता है, और खुदा ना ख्वास्ता अगर उसको गलत ब्लड या कोई इफेक्टेड ब्लड लगा दिया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में और इजाफा हो जाता है, ना कि उसकी तकलीफ में कोई कमी होती है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और जर्मन गवर्नमेंट, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँ, कोलाब्रेशन पे हमने एक रीजनल ब्लड सेंटर हमने एक हैदराबाद में स्टार्ट किया, दूसरा हम एबटाबाद और डीए खान में स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको हम और भी एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके करने का मकसद ये है कि क्वालिटी,
ऑफ ब्लड जो है वो दी जाए, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दी जाए। पहले फेज़ में हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो हमारे पेशावर में, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें बाकायदा उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, मेक श्योर किया जाता है कि क्वालिटी उसकी ठीक है, और जितना इफ़ेक्टिव तरीके से वो बनाया गया है, मतलब एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है वहाँ पे। जो टीम है वो भी माशाल्लाह बड़ी प्रोफेशनल है, और उससे पूरे उसको एक 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 बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। और स्पेशली हमारा जो आप देख लें ब्लड बैंक्स का, वैसे भी एक एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है या एक डिपार्टमेंट है किसी भी हॉस्पिटल का, उसको उस लेवल की तवज्जो नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का एक हमने रीजनल ब्लड सेंटर बनाया है, और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उसको हम इसी वजह से, हमने जब पहला बनाया तो हमने ये रियलाइज़ किया कि एक से हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में लेके जा रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ रीजनल ब्लड सेंटर्स बढ़ा दिए जाएँ, ताकि सूबे के पूरे सारे लोगों को एक ही किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जी ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है पीटीआई इस हवाले से, ब्लड बैंक्स के हवाले से भी आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जितनी भी आप लोग फैसिलिटेशन वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई मतलब कोई सानी नहीं है आप लोगों की खिदमत का। लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए, तो वो यही कहते हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को ला के वो आवाम की खिदमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अपॉइंट करें। तो सर ये होगा कैसे कि एक बंदा US में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, बड़ा डॉक्टर है, वहाँ पर वो डॉलर्स में जो है वो तनख्वाह ले रहा है, तो क्या आप लोग उसको अट्रैक्शन दे रहे हैं या क्या आप लोग उसके लिए कर रहे हैं कि वो आएगा केपी के और इन देही इलाकों में जाके काम करेगा और आवाम को सर्व करेगा? देखिए जी, दो काम हमने किए हैं। एक तो हमने कानून साजी की, हमने टर्शरी केयर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने ऑटोनमस बनाया। ठीक, मैंने अपने से इख्तियार लेके डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और मिनिस्टर के लेवल का इख्तियार लेके हमने बोर्ड्स बनाए। उस बोर्ड्स में हमने कौन से लोग रखे? डॉक्टर्स रखे, फिलेंथ्रोपिस्ट रखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे, लॉयर्स रखे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रखे। इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को हमने उठाया, और वो लोग जिन्होंने जिंदगी में उनकी कोई अचीवमेंट है जो और वापस कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये सारे बोर्ड्स का जो काम है ये वॉलंटरीली है, इस पर कोई पैसे खर्च नहीं होते हुकूमत के, वो अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे आते हैं। एक ऑटोनमस बोर्ड सब कुछ बनाया और उसको हमने एक सिस्टम दिया। आप जो बात कर रहे हैं कि कैसे एक बंदा इंग्लैंड से डॉलर्स छोड़ के, पाउंड छोड़ के आएगा, अमेरिका से डॉलर छोड़ के आएगा, देखें ये मुल्क की जो मोहब्बत है ये सबसे ज्यादा उस बंदे को होती है जो मुल्क से बाहर होता है। ठीक, उसको कदर होती है इस आज़ादी की, इस फीलिंग की, फैमिली की, फ्रेंड्स की या अपनी मिट्टी की, और वो बाहर बेशक ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, लेकिन अपने मुल्क में थोड़े पैसे भी कमा के बाइज्जत तरीके से वो हर बंदा खुश रहता है। तो उसको हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी डॉक्टर्स इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से वो अभी वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स भी दी हैं, काम भी शुरू कर दिया है। LRH में बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, बाकी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ब्रेन ड्रेन था वो ब्रेन गेन हो रहा है वापस, अल्हम्दुलिल्लाह वापस लोग आ रहे हैं। इसके साथ एक और काम हमने किया जो आपके व्यूवर्स को मैं बता दूं कि हमने फार फ्लांग एरियाज में, क्योंकि स्पेशलिस्ट हमारे ज्यादा जाते नहीं हैं, तो व्हाट वी डिड इज वी इंट्रोड्यूस दिस न्यू टेक्नोलॉजी ई इलाज के नाम से, हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, एक टेली मेडिसिन के इंट्रोड्यूस करवाया, जो BHU के लेवल पे या RHC के लेवल पे हम 4-5 फैसिलिटीज, ENT, गाइनी, क्या कहते हैं, ECG हार्ट का और स्किन का और जनरल मेडिसिन का, हमने टेक्नोलॉजी, कैमरा, सॉल्यूशन सारे वहाँ पे रखे हैं, और पेशावर में बैठा स्पेशलिस्ट उन लोगों को जो मानसेरा में है या चतराल में होगा या DA खान में, वहाँ पे बैठ के वो लोग वहाँ पे अपने मरीजों को लेके जाएंगे, और पेशावर में बैठा डॉक्टर टेक्नोलॉजी के जरिए उनको स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करेगा,
जो कि हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है और मानसेरा में स्टार्ट हो गया, बाकी सूबे में उसको लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये एक बार फिर से मैं जरा रीजनल ब्लड सेंटर के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि डेफिनेटली एक आवाम से रिलेटेड एक मसला भी है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जो पॉइंट्स आपने इंडिकेट किए हैं ऐसा ही है, और स्पेशली सिर्फ केपीके में नहीं बल्कि मेरा ख्याल है बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है, तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली लॉन्च होने चाहिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त अगर करंट हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का स्टेटस इस वक्त क्या है, और ये भी बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट के अंडर आता है ये जो आपका ब्लड रीजनल सेंटर है या फिर ये केपी के गवर्नमेंट के अंडर आता है। लेकिन जी ये तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अंडर आता है और जर्मन गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने मिलके इसको बनाया है। कुछ कंट्रीब्यूशन उनकी है, कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी है, इट्स अ जॉइंट वेंचर, और टेक्नोलॉजी उनकी है, प्रेमिसेस पैसे कुछ हमारे कुछ उनके, और इसको हम हमने स्टार्ट किया है बड़े इफेक्टिव तरीके से, इसको हम और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसमें जो जो नई एडिशंस करना चाहते हैं या वो समझते हैं टेक्निकल लोग कि इसमें और नई एडिशंस होनी चाहिए वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाकायदा अपने वैन्स हैं, वो अब ब्लड कलेक्ट करते हैं और ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को, और मैं फिर एक दफ़ा कह दूँ कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें आती हैं हमारा, क्योंकि हमारा सूबे में बहुत बड़ी बड़ी दहशतगर्दी के वाकये हुए APS जैसा या बहुत सारी और खुदा ना करे कि और हों, लेकिन उसमें खून की बहुत ज़रूरत होती है और प्रॉपर ब्लड की जो स्क्रीनिंग हो सब, तो हमारे पास स्टॉक भी मौजूद होता है, हमारे बड़े LRH और बड़े जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल या हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं, लेकिन दिस इज़ फार मोर एडवांस्ड फैसिलिटी एंड उसके ब्लड को स्क्रीन करने के लिए टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पहले हॉस्पिटल्स में था, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारी हमारे पूरे हॉस्पिटल्स को और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे सपोर्ट तो है और रीडिंग्स बन जाएंगी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे तो ब्लड स्क्रीनिंग में भी आसानी होगी और लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये मालूम करने के लिए एटलीस्ट कि उनके बॉडी में जो फंक्शंस हैं, जो ब्लड उनके रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, क्योंकि इस तरह के इलाकों में जो है वो इस तरह की फैसिलिटेशन होती नहीं है। बहुत शुक्रिया शहराम तरकई साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हेल्थ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और बता रहे थे कि किस तरीके से PTI ने वहाँ पर काम किया है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनको अप्रिशिएट करें, और वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके हवाले से उनको बहुत ज्यादा सराहना भी चाहिए, और PTI जो काम कर रही है सेहत कार्ड के हवाले से जिस तरीके से वहां पर लोगों को फैसिलिटेट कर रही है उसके लिए वाकई वो बहुत बड़ा काम। बिल्कुल जनाब, और जो नए पाकिस्तान की हम बातें करते हैं, जो नए पाकिस्तान के दावे किए जाते हैं PTI की जानिब से, मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से डेफिनेटली जरूर आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये है नया पाकिस्तान। एनीवे यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद एक सरप्राइज है, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। जैसे इतने बड़े और इतने अच्छे लेजेंड सिंगर हैं। थैंक यू वेरी मच आज न्यूज़। हाँ। शहाब जुबैरी साहब, आप दोनों का मैं सबा सबसे पहले तो जी आपको वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, और हम बहुत खुश हैं कि आज आपने अपनी बर्थडे को हमारे साथ सेलिब्रेट करने का प्लान किया है, तो चले इसी बहाने हम भी थोड़ा केक शेक खा लें क्योंकि हम शो के आखिर में जरूर लेकर आएंगे। बलिया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए हैं, पाकिस्तान हैं और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले तो आज के दिन के हवाले से बताइए क्या क्या प्लान हैं और इस बार पाकिस्तान। मेरे प्लान यही हैं कि मैं अपना टाइम अपनी अम्मी के साथ गुजारूँ बर्थडे पे, और अपनी फैमिली सिस्टर शाजिया अख्तर, ज़ुबैर अख्तर, आमिर अख्तर, जो हमारी फैमिली है इमीडिएट, उनके साथ गुजारूँ, और आज के साथ सुबह शुरू ही आज के साथ मॉर्निंग जो है वो यासिर की आज के साथ हुई। अच्छा यासिर, थोड़ी सी बात करते हैं आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, लोग इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपके गाने इतने पसंद करते हैं, मतलब यकीन करें मेरे ख्याल में जितने भी लोगों ने भी आपको देखा होगा तो वो यही सोच रहे होंगे चलें जी यासिर जो है वो गुड मॉर्निंग आज में नज़र आ गए। ओवरऑल अभी जो काम हो रहा है, जिस दौर में आप काम कर रहे थे और अभी रिसेंटली भी अभी करंट आपने वीडियो बनाई है, कैसा लगता है कि पाकिस्तान में जो सिंगिंग है वो कहाँ जा रही है इस वक्त? बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी प्रोडक्टिव पॉजिटिव मूव है कोक स्टूडियो ऑफकोर्स, उससे पहले भी, और बड़ा अच्छा एक बात ये हुई है कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है, हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है। मैं हर चैनल पे यही बात कर रहा हूँ कि पहले 5-6 लोग काम किया करते थे और वो ही सारे चीज़ों को हैंडल करते थे, एक डायरेक्टर के सर पे बर्डन होता था लेकिन अब यह है कि आप हर तरह असिस्टेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है, आर्ट डायरेक्टर है, सो इट्स बिकमिंग बेटर एंड बिगर एवरी डे।
अच्छा सर, आप उस टाइम पर भी काम कर रहे थे, 90s में भी आपका बड़ा स्टारडम था और आप आज भी काम कर रहे हैं, आपने दोनों एराज देखे हैं और ओवरऑल तीन एराज देखे हैं क्योंकि अच्छा। मैं जब बच्चा था 5 साल का था तो स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली, आप तमाम लोगों को बताएं हम कि यासिर ने 5 साल की उम्र से अपने काम का आगाज कर दिया। लोग सोच रहे होंगे 5 साल की उम्र में तो बात नहीं करते, लेकिन मैं अभी श्री देवी का एक देख रहा था, उन्होंने 4 साल की उम्र में शुरू किया था। द थिंग इज़ के मेरा जो रोल था वो 4-5 सीन्स में एक बेटे का रोल था, उस्मान पीरज़ादा का, तो मोस्टली मेरा साइलेंट ही कैरेक्टर था, लेकिन अच्छा। मुझे सीन्स में जैसे सोए हुए मेरी अम्मी आके मुझे किस कर रही है, मैं बार बार जाग जाता था, रीटेक्स होती थी बहुत सारी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि यासिर, क्योंकि आपने सारा टाइम देखा है, तीनों एराज देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे स्टारडम मिलना बड़ा मुश्किल होता था कि इस टाइम पर स्टारडम मिलना बड़ा मुश्किल? दौर के अपने मसले होते हैं और अच्छी बातें होती हैं। उस दौर की अपनी अच्छी बात ये थी कि एक्सक्लूसिविटी थी, एक चंद लोग जो थे वो नज़र आते थे और बहुत अच्छी तरीके से नज़र आते थे लोगों को, और लोग उनको फॉलो करते थे, इंतज़ार करते थे उनके प्रोग्राम, इवन आउटसाइड द बॉर्डर्स। हाँ, लेकिन अब ऑप्शंस बहुत हैं, विच एवरीबडी नोज कि आप यू कैन वॉच एनीथिंग एनी टाइम। जिस तरह रिश्तों में ऑप्शंस हो गए हैं, अब उसी तरह चैनल्स में भी ऑप्शंस हो गए हैं। सही। तो अच्छा, अगर बात की जाए ओवरऑल टैलेंट के हवाले से, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब आप जिस टाइम पर सिंगिंग कर रहे थे, तो आपको उस टाइम पे क्या मुश्किल लगता था, और अब आपको क्या लगता है कि नहीं, टैलेंट के लिए जो है अब ये आसानी है और हमारे टाइम पर हमें मनवाने में या इस तरीके से बहुत मुश्किल होती थी? सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा टूल आ गया है यंगस्टर्स के पास अपने हुनर को मनवाने का। ठीक, उससे पहले ये नहीं था। पहले ये था कि आप अगर किसी को जानते हैं जो आपके काम को अप्रिशिएट करे या आपके मेंटल लेवल से उसका लेवल मिलता हो, देन यू विल गेट अ चांस। कि अगर शहजाद खलील समय को प्रमोट किया, उनको अगर आपका काम इम्प्रेस करता है, अगर उस वो भी मेरिट पे ही लेते थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से होता था। ठीक, हाँ, अब तो वही बात हो गई ना आपकी वाली के चॉइसेस बहुत कंपटीशन हो गया। कंपटीशन ज़्यादा उन्हीं लोगों में ये है कि जो आपस में प्रोडक्शन है, बहुत से लोगों ने चैनल्स खोल लिए हैं, तो बड़ा हेल्दी कंपटीशन। अच्छा, वैसे आपको वन मैन क्रू भी कहते हैं, वन मैन इंडस्ट्री कहते हैं, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, या फिर सिंगिंग हो, या फिर मॉडलिंग हो, या फिर इवन एक्टिंग हो, आपने हर चीज में, हर जगह पर आपने काम किया हुआ है, हर और अभी भी आप अपना एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, तो उस हवाले से मैं जरूर जानना चाहूंगी। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि सिंगिंग भी आप अभी तक कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी अभी तक साथ लेकर चल रहे हैं। सिंगिंग मेरा पैशन है। पैशन है, ज्यादा दिल से करीब क्या है? सिंगिंग। तो यासिर, कब ये रियलाइज हुआ कि नहीं बस मैं गा सकता हूँ, मुझे सिंगिंग करनी चाहिए? किस एज से आपने प्रॉपर जो है सिंगिंग स्टार्ट किया? था तो टीचर्स मुझे, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, मैं अक्सर गाया करता था क्लासरूम में। अच्छा, तो उस तरह से अक्सर ऐसे होता है, ब्रेक के अंदर टीचर ने कह दिया चले जी यासिर, और एक दफा गा दिया तो फिर आपका जो होता है पॉपुलर हो जाते हैं। तो वो जो वीडियोस आपने जितनी सारी बनाई हैं, जितने भी सारे सॉन्ग्स गाए, तो उसमें एक कोई सॉन्ग होता है जो दिल के बड़ा करीब होता है, और एक वीडियो ऐसी होती है जिसकी ओवरऑल शूट्स और सारी चीज़ें जो है ना वो बस मेमोराइज हो जाती हैं, और वो इंसान कहते हैं यार वो जो मेरा काम था ना, दैट वाज अमेजिंग। वो कौन सा वीडियो? मेरा जो नया आई एम सो सॉरी, नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, दी इट्स नॉट अ गुड वेदर। या बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, असल में आजकल वो चला हुआ है, सबके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी हो गया। असल में जो भी आर्टिस्ट होता है उसका जो नया काम होता है ना, वो उसको सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो जो मेरा अब काम आने वाला है, मैं अब एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ फिल्म्स फॉर टेलीविजन, उसमें मैं गाने भी लूंगा, दूसरे एक्टर्स को भी लूंगा, सिंगर्स को भी चांस दूंगा, नए लोगों को भी टैलेंट हंट करूंगा, और जो सीनियर्स हैं उनको भी लूंगा। तो ये जो फिल्म्स फॉर टेलीविजन है, ये मेरा फॉलो अप है जो मैं पहले टेली फिल्म्स किया करता जी, था सही। आज से कई साल पहले, जिसमें हुमायूं सईद, शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी, ये सब लोगों ने अपने करियर का ब्रेक्स मिले थे जिनको बड़े बड़े, इसके बाद यहीं पे आपको रोक के पूछना चाहूंगी कि बड़े बड़े नाम है जिन्हें आपने इंट्रोड्यूस कराया है, और आज वो टेलीविजन पर राज भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और आपको नजर भी आते हैं। कुछ को इंट्रोड्यूस कराया, कुछ को बहुत बड़ा ब्रेक मिला है। वो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने तो ये वाला काम पहले किया था,
तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें कोई ना कोई एक काम आपकी पहचान बन जाता है. जैसे अमिताभ जो थे वो उन्होंने 12 फिल्में फ्लॉप दी थी और जंजीर फिल्म जो थी उससे वो सुपरस्टार बन गए थे. यासिन मानता कौन कौन है कि जी हमें वाकई में यासिर लेकर आए? देखें मैं सच्ची बात करूं तो हमारा मीडिया में 60-70% लोग नहीं मानते, नहीं करते बिल्कुल, वो नहीं मानते इसलिए क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने बहुत एक यंग एज में स्टार्ट किया. सो आई सल्यूट देम बिकॉज वो जब मेरे सामने आते हैं तो उनको वो वक्त याद आ जाता है फौरन. वो ना माने तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मानते हैं मैं उनको हमेशा मानूंगा. अब जैसे निदा यासिर है, मैं सना का शो कर रहा था अभी मॉर्निंग शो, तो निदा यासिर अपना सेट छोड़ के आई. और ये सब आपके खानदान की तरबियत होती है. आपको याद बताया जाता है कि आप अपने सीनियर्स, अपने जो लोग ने आपको इंट्रोड्यूस कराया या आपको चांस दिया. मैं गजनफर अली साहब की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया एज ए डायरेक्टर. मैं जब गाना लेकर गया कभी तो होगा मेरा मिलन, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्शन एंड ही ऑफर्ड मी द फर्स्ट एवर पोर्ट्रेट. अच्छा, था हाँ, तो मुझे उन्होंने ऑफर किया म्यूजिक चैनल चार्ट्स का, जो सबसे पहला चार्ट शो था पाकिस्तान का, जिसमें ये सारे. और सबसे बड़ी बात गजनफर अली साहब की ये थी, बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी कहते हैं कि जी गजनफर साहब ने हमें चांस दिया था. गजनफर साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े क्रिएटिव आदमी हैं, लेकिन गजनफर साहब जब किसी को प्रोजेक्ट देते हैं, जैसे उन्होंने मुझे म्यूजिक चैनल चार्ट्स दिया था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था. जो भी सिंगर्स आते थे वो मेरे पास, डेफिनेटली बात है, अगर आप किसी चीज को ओन कर रहे हैं तो आपके अंदर आता है. डायरेक्टर था, एंड जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो माने या ना माने, चाहे वो फखरे आलम हों, चाहे शहजाद रॉय हों, चाहे वो नजम शिराज हो, वो सब मेरे पास ही अपने गाने लेकर आए थे पहले. सही है जनाब, जितने भी सिंगर्स हमारे सच्ची बात कर रहे हैं उसके पीछे जो है वो यासिर है. अच्छा, यासिर मैं नहीं हूँ, देखें ये सब अल्लाह की देन है. डेफिनेटली वो तो हाँ, ये मुझे मौका मिला और मैं जरिया बना उनका. लेकिन मैं जिस तरह अपने मानता हूँ कि गजनफर अली साहब ने मुझे आपको था, ब्रेक दिया, हाँ. तो सबको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए. अगर सुल्ताना सिद्दीकी ने किसी को चांस दिया या शहाब जुबैरी साहब ने किसी को किया है या जावेद जब्बार साहब ने किसी, सो दे शुड ऑलवेज एक्सेप्ट दैट एंड एक्नॉलेज दैट. अच्छा यासिर, ओवरऑल ये तो सारी बात हो गई यहाँ के उन तमाम लेजेंड्स की, उन सिंगर्स की जिनको आपके थ्रू चांस भी मिला और आज वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. जब आप यहाँ से गए, मतलब इंग्लैंड, सॉरी टू कट यू हेयर, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कोई कुछ काम कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ वो काम. हाँ, जी. सही, ठीक है. अच्छा यासिर, अभी जो है वो हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम यासिर के कुछ करंट और लेटेस्ट वीडियोस और सॉन्ग्स आपको दिखाते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग. आज और इस वक्त हमारे साथ यासिर बैठे हुए हैं और बहुत सी ऑफर भी हम उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जाने से पहले चूंकि हमने आपको उनके सॉन्ग्स भी सुनवाए हैं तो उसी बारे में कुछ मजीद बात भी करूंगी. यासिर, इस साल का बड़ा हिट आपका ये सॉन्ग रहा है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, लेकिन इसका बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि ये कलाम जो है वो बुल्ले शाह का है. व्हाट इंस्पायर्ड यू? देखें इसका जो है ना, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चल दे वेखे. मैं नहीं कहना ओ सुनिया, एते बुल्ला सानू कहना है राम नाल कर वी राम नाल कर. ये जो आखिरी की दो लाइन्स हैं ये मेरी हैं. अच्छा, अच्छा. सो चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, कहते हैं कि मैंने जो है ना, जो बहुत सूरज चढ़ते थे वो भी मैंने उतरते हुए देखे. बुझे दीवे, जो दिए बुझ गए थे वो भी मैंने जलते हुए देखे. जो हीरे, हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे, यानी हीरे भी नहीं चले कि खोटे सिक्के ऐसे चल गए. खोटे सिक्के ऐसे चले, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती. बिल्कुल सही कह रहे हैं, वक्त बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती. तो इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए. उस पे जो नसीब में है वो इंसान को मिलना है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, तो मैं कहता हूँ राम नाल कर वी राम नाल कर, सोनिया तू दुनिया दी परवाह ना कर. जस्ट टेक इट इजी. नहीं, लेकिन ये बुल्ले शाह का नहीं है लाइन. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टेक इट इजी इन लाइफ. सही, जो है गो विद द फ्लो इन लाइफ, गो विद द फ्लो. अच्छा यासिर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है, मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड हैं आप. तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई सिंगर फेमस हो जाता है या जब कोई आर्टिस्ट फेमस हो जाता है तो उसके पास आखिरी ऑप्शन जो है वो पॉलिटिक्स होता है. अच्छा. और बहुत सारे सिंगर्स हमारे पॉलिटिक्स में आ भी गए. तो ये बताएं, आपने क्यों कभी इस तरफ नहीं सोचा कि आपको इतना माशाल्लाह से इतने फेमस हैं, लोग इतना पसंद करते हैं, तो आप भी इस तरीके से? असल में मैं जब भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जो लोग पॉलिटिक्स में गए वो दोबारा लौट कर वहीं आए.
बैक टू बेसिक्स के जैसे कहते हैं ना कि जिन लोगों ने भी म्यूजिक को छोड़ा एक्टिंग को छोड़ा वो वापस पॉलिटिक्स में गए फिर दोबारा जो पैशन उनके अंदर था जिन लोगों में वो वही होता है क्योंकि हम इनबॉर्न एक हमने एक चीज की होती है और वो बार बार हमें तंग कर रही होती है सो अगर हम छोड़ भी देते हैं या हम मेरे में से कुछ दोस्तों ने छोड़ भी दिया और वो सियासत में चले गए कुछ कहीं एम्बेसडर्स बन गए बट इनसाइड दे आर एक्चुअली आर्टिस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप exactly. ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज के का पैशन है आपको और आप उस पैशन को होल्ड किए रखते हैं डेफिनेटली दुनिया उस चीज को मानना शुरू कर देती है आर्टिस्ट वही होता है जो अच्छे और बुरे वक्त का मुकाबला करता है बिल्कुल ठीक अच्छा यासर इस वक्त साथ एक कॉल है और बड़ी ही जबरदस्त सी कॉल है मेरा ख्याल है कि आप खुश भी होंगे वो आवाज सुनकर इस वक्त हमारे साथ जो भी है वो हम चाहेंगे यासर से डायरेक्ट बात करें जी अस्सलाम वालेकुम यासिर की कजन जो है वो हमारे साथ यासिर गेस कीजिए अच्छा जी बोले आप हेलो बोले कौन सी वाली कजन है टच करें हैप्पी बर्थडे ओ आनिया थैंक यू सो मच आनिया फॉर जॉइनिंग आनिया बहुत प्यारी सी कजन है हमारी ठीक है आनिया कैसी हैं आप कैसा लग रहा है आपको यासिर इतने अरसे बाद जो है पाकिस्तान आए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जब मैंने इनका स्टेटस पढ़ा था कि ये आ रहे हैं मेरे इनसे बात हुई थी और आई वाज सो एक्साइटेड ही इज अ लेजेंड एंड ही इज एन अमेजिंग सिंगर एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर यू नेम इट मतलब इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट यू नो कजन होना आई एम प्राउड टू बी ऑफ इट बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसा कजन हो तो प्राउड बनता है एंड आई एम गेटिंग टू विश हिम ऑन गुड मॉर्निंग आज सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट अच्छा एक मजे की बात बताऊं आनिया के बारे में आनिया ने एक फ्रेंच टोस्ट मेरा एक सीरियल चलता था बहुत पहले जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स के बाद तो इन्होंने इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था ये मुझसे बहुत छोटी है वैसे आनिया एक्सपीरियंस कैसा रहा था यासिर के साथ काम करके बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम जो नहीं होता इनके साथ वो काम करना था मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऑन कैमरा विद यासिर अख्तर यासिर भाई इज लाइक यू नो अ मेमोरी विच इज ऑलवेज देयर विद मी ही गेव मी दैट कॉन्फिडेंस एक होता है ना चाइल्ड एक बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एंड ही वाज ऑलवेज देयर और वो जो होता है ना कैमरा को कैसे फेस करते हैं विद कॉन्फिडेंस और वो एक्शन बोलना यू नो डायरेक्टर ही डायरेक्टेड मी और वो मेरा पहला शॉट आपकी चाहे बहन हो अच्छा आनिया आज बर्थडे है यासिर अख्तर का तो आज आपके क्या प्लान्स हैं फिर आप गिफ्ट लेके कब आ रही हैं घर पे यासिर के आप मेरा सरप्राइज रुइन नहीं कीजिए सारी फैमिली ने इनको इनकी बर्थडे पे बट बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल यासिर भाई यू नो बैक टू बैक इनके शोज चल रहे हैं इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हम पकड़ ही लेते हैं यासिर अच्छा आज ये जरूर बताइएगा कि आप डेफिनेटली यासिर के बहुत ढेर सारे फैंस हैं और उनके हर गाना जो है वो लोगों को पसंद है लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है ओह माय गॉड दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन यू नो मैं इनको रेगुलर फॉलो करती हूँ उनके सारे गाने मुझे पसंद है इनफैक्ट यू नो मतलब लाइक बैक टू बैक मतलब चांदनी से लेके इनका वो लव इनकी तो वीडियोस भी कितनी अमेजिंग है और अभी तो इनकी जो लेटेस्ट गाना आया इनका वो जो सनसनी और ये एक और आया जो पंजाबी गाना आई मीन लाइक आई एम प्राउड टू शो इट टू ऑल माय फ्रेंड्स देखो मेरा कजन यहाँ से रखता है तो मैं भी ये कह दूं कि she herself is into marketing and she's doing an amazing job. जबरदस्त. So I wish her all the best and thank you Ania Jabbar. आपको सरप्राइज अच्छा लगा हमारा? अरे क्या बात? अभी आगे बहुत सारे सरप्राइज हैं. आप वेट करें अभी आपके साथ बहुत सी और सरप्राइजेस होंगी. अच्छा यासिर मैं जरूर ये जानना चाह रही थी कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं रहते आप मैनचेस्टर में हैं उसके अलावा आपके फैंस बॉर्डर के पार भी हैं तो आपको ऑन कौन कर रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड इंडिया या फिर मैं चाहे पाकिस्तान में हूँ चाहे मैनचेस्टर में हूँ चाहे न्यूयॉर्क में हूँ या पेरिस में हूँ पाकिस्तान का झंडा मेरे हाथ में हर महीने होता है क्या बात क्या बात है चाहे कोई भी इवेंट हो हमारे मैं वहाँ आगे आगे होता हूँ जितने भी बड़े अभी जैसे पिछले 3-4 साल से हमने यूके में पहले न्यूयॉर्क में होती थी परेड अब हमने स्टार्ट की यानी हाई कमीशन के साथ मैंने मिलके जो इस चीज को वहां से शुरू किया ब्रैडफर्ड बर्मिंगम लंदन से लोग आए हजारों की तादाद में और एक नया सिलसिला शुरू हुआ फिर बाद में लंदन ने भी शुरू कर दिया लंदन हाई कमीशन से भी ये परेड शुरू नहीं ये तो देखे हम सब एक ही है ना अगर हमने किया उन्होंने किया तो एक ही बात है लेकिन ये हमने स्टार्ट किया था मैनचेस्टर से इस चीज का क्रेडिट मैनचेस्टर को जाना चाहिए पाकिस्तान परेड पहली वहाँ से शुरू लेकिन पाकिस्तानी झंडे तले सब एक है और यासिर कितना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में भी इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलता है और इंग्लैंड में भी आपको इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलता है यासिर अख्तर हमारे साथ मौजूद है इनसे करेंगे बहुत सारी बातें और हैं बहुत सारे सरप्राइजेस तो कहीं जाएगा बट डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब यासिर अख्तर हमारे साथ हैं, आज है उनका बर्थडे और साथ में यहाँ पर केक भी मौजूद है जो कि थोड़ी ही देर में बस हम केक के हवाले से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आज न्यूज, आज एंटरटेनमेंट एंड बोथ ऑफ यू एंड शहाब जुबैरी साहब एंड द एंटायर टीम हियर, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर organizing. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी, आप ले तो हैव यू नहीं नहीं आई फील लाइक एन 18 ईयर ओल्ड राइट नाउ। मैं ये पूछने वाली थी कि आज आपकी बर्थडे है, ये बड़ा सीक्रेट क्वेश्चन होता है, लोग बताते नहीं है, लेकिन हम यहां से जरूर पूछेंगे। यासिर ऑन स्क्रीन बताएंगे आप स्क्रीन। नहीं मैं बता देता हूं, एक ब्रैडफोर्ड में हमारा एक इवेंट हुआ था, उमर शरीफ, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, उमर शरीफ जो हमारे प्रेजेंटर, कॉमेडियन और फिल्म एक्टर है, वी कॉल हिम लेजेंड। हां लेजेंड। सो उन्होंने मुझे एक ब्रैडफोर्ड में इवेंट में बुलाया और उन्होंने कहा यासिर आओ, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया, यार इधर बैठ तू, अच्छा मुझे ये बता तेरी उम्र क्या है। अच्छा। मैंने कहा सर मेरी उम्र 18। कहते नहीं नहीं ये बता। वो 15 मिनट तक मुझसे पूछते रहे और लोग हंसते रहे, उनका जो तरीका है पूछने का, और पूछ पूछ के वो थक गए, लेकिन मैंने उम्र नहीं बताई उनको। तो मैं भी वो पाकिस्तानी हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं, मेरी उम्र है 18 साल। चले जी 18 साल इस फील्ड के, या आप अपनी ओवरऑल एज नहीं, नहीं फील्ड में तो बचपन से अब 3 decades हो गए ना, फ्रॉम एनालॉग। आप सब क्या तीन जो तीन दाइयों से काम कर रहे होंगे, उनकी एज क्या होगी, सबको पता चल जाएगा। अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं, मैं वैसे सलमान खान और शाहरुख खान से 10-10 साल छोटा हूँ। क्या बात है जी। अच्छा आज आपका बर्थडे है तो ओवरऑल कल रात से ही आपको मैसेजेस तो आना शुरू हो गए होंगे, जितने भी दोस्तों को पता होगा सबने आपको मैसेजेस करना शुरू कर दिए होंगे, तो ये बताएं कि सबसे पहला मैसेज जो था वो आपके पास किसका आया? सबसे पहला मैसेज अगर मैं कहूँगा तो मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया। अच्छा रात को वो, दैट वाज माय फर्स्ट मैसेज। अच्छा ऐसे ऐसा होता है कि आपकी बर्थडे हो तो आपको एक कोई शख्स ऐसा होता है जिसका इंतजार होता है कि इसका मैसेज या इसकी कॉल या इसकी तरफ से मुझे कब विशेस आने वाली है, वो कौन? मेरी बेटी एलीज है। तो वो वहीं पे मैनचेस्टर में, शी कॉल्ड मी इन द नाइट, शी वाज टॉकिंग टू मी, सो द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी, जो पहली बात उन्होंने मेरी बेटी ने पूछी मुझसे, उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी ने पहली दफा आपको देख के उनके क्या एक्सप्रेशंस थे, हाउ डिड शी फील व्हेन शी लुक्ड एट मी, तो मैंने कहा उनकी आंखों में आंसू आ। बच्चों को वैसे सरप्राइजेस बड़े पसंद होते हैं। जी तो वो पूछना चाह रही थी कि मेरी अम्मी को कैसा फील हुआ अपनी अम्मी मुझसे अपने बेटे से मिलके पहली। सो मेरी बेटी बहुत जज्बाती है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। अलीजे, अलीजे अख्तर, अलीजे अख्तर भी देख रही होंगी तो डेफिनेटली बहुत खुश हो रही होंगी। अगर नहीं देखेंगी तो ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन दिखाएंगे। रात हो रही होगी वहाँ पर, हम लोग 4-5 घंटे पीछे हैं, पाकिस्तान हर चीज में आ गया, पाकिस्तान हर चीज में आ गया बिल्कुल। अच्छा यासिर ओवरऑल हम आज, इतना जबरदस्त दिन है, आप पाकिस्तान वापस आए, आज आपकी बर्थडे भी है, हम सेलिब्रेशन भी जा रही है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे स्टूडियोज आए और कोई सॉन्ग ना सुनाए? हाँ जी जरूर, कमिटमेंट की बात हो रही है और एवरलास्टिंग एवरग्रीन चीजों की बात हो रही है, हमारा मुल्क, अल्लाह ताला मेरी दुआ है हमेशा एवरग्रीन रहे। गाना तो है रोमांटिक, लेकिन रोमांस में भी और मोहब्बत में कमिटमेंट के, इट इज एक्चुअली बहुत ही कूल म्यूजिक डांस सॉन्ग है, सो आप अगले कुछ दिनों में उसको देखेंगे। अभी उसकी रिकॉर्डिंग ऑडियो चल रही है, अगले 2 हफ्तों में हम उसका म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे और दिसंबर के एंड तक हम उसको रिलीज कर रहे हैं। दिसंबर के एंड। सो ये स्पेशली एक गिफ्ट है पाकिस्तान। अच्छा तो फीमेल मॉडल कौन है या फिर? वो अब एक आध दिन के अंदर हम फाइनलाइज कुछ दिन करेंगे, क्योंकि मैं जब गाना बना रहा होता हूँ उसी वक्त हम सारी चीजें सोच रहे होते हैं, तो इस वीक में हम डिसाइड करेंगे कि कौन होंगी। See, it's a day of lots of surprises. बहुत सी बातें हमें यासिर ने बताई भी, और अब वक्त आ चुका है जब finally हम लोग केक खाएंगे, और you अच्छा। know, यासिर की बर्थडे है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ऑन स्क्रीन जो है, लेकिन केक कटने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कुछ लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो सेट पे आए और हम एक तस्वीर खींचें, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ किसी से, और हमारी एक अच्छी सी केक कटने से पहले टीम मेंबर है जो शी इज स्टैंडिंग देयर, तो शाजिया इफ यू कैन कम, सो मैं अपने अपने फोन से एक पिक्चर लेना चाहता हूं। मैं खाले यासिर ऑन स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम है, हम जरूर लेते हैं, वो शाजिया वहां से पिक्चर्स लेती हैं, हम यहां पे केक काटते हैं, ठीक है? श्योर, ओके शाजिया यू कैन टेक पिक्चर्स फ्रॉम देयर। तब तक के लिए जनाब वी आर गोइंग टू कट अ केक, और तमाम लोगों को जो कैंडल्स तो हैं फैंस हैं, लेकिन आज
लेकिन ये है कि सकते हैं एक मिनट या सिर वो ये जान सकते हैं कि आज इनका बर्थडे है और एक और सरप्राइज है आपके लिए सरप्राइज फॉर यू एंड अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे यासिर एनी मेनी 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 मोर टू कम थैंक यू वेरी मच थैंक यू चलिए जनाब इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है हम लोग ये केक काटते हैं और ये केक एंजॉय करते हैं उम्मीद करते हैं आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा आप लोग इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल और कल का शो भी स्पेशल और मजेदार होने वाला है वो क्यों वो कल ही बताएंगे चले तब तक के लिए हम यासिर की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ बाय टेक केयर कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग गाइस